देश भर में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन प्रथाओं को बढ़ावा देना है जो बीमारियों और कुपोषण की समस्या का समाधान कर व्यक्तियों के स्वास्थ्य, कल्याण व प्रतिरक्षा में सुधार करती है। इसी कड़ी में महिला व बाल विकास के सौजन्य से स्पीति उपमंडल की रंगरीक पंचायत में पोषण माह के तहत जागरूकता शिविर लगाया गया और इस शिविर में ग्रामीण व धात्री महिलाओं को सही पोषण व संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया गया। इसके अलावा मोटे अनाज के महत्व को देखते हुए पारंपरिक व स्थानीय खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इस अवसर पर बाल विकास अधिकारी अजीत डोगरा ने कहा कि सितंबर माह में स्पीति के हर गांव व आंगनबाड़ी केंद्रों में जागरूकता लाने के लिए उद्देश्य से ये अभियान चलाया जाएगा। हमारे यहाँ पे एक पूरे सितंबर माह में 1 तारीख से जो पूरा महीना रहेगा, इसमें प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसमें कि हम मोटे अनाज या फिर पारंपरिक खाना जो भी यहाँ पे शूनालिंग होता है या फेमर होता है उसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं इन खाने को छोड़ रहे हैं, तो हम इनके महत्व को बता रहे हैं कि इनका महत्व क्या है। तो इसीलिए हम प्रत्येक गाँव में इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, और जैसे धात्री महिलाएँ हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको इन खाने का बहुत महत्व है सर। पोषण माह मना रहे हैं तो हमने आज यहाँ पे रंगरिक में पोषण माह आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे दात्री हो गए, गर्भवती हो गए और जो बेनिफिशरीज बच्चे हैं उन्होंने मतलब उन्होंने उनको जो है हमने पोषण के बारे में बताया। जैसे हमारे जो लोकल डिश है, जैसे हमारे यहाँ पे फेमर, शुनाली और मरियोग, जैसे जैसे जो हमारे लोकल खाने बनते हैं उनके बारे में, उनके महत्व के बारे में बताया कि वो खाने से हमारे सेहत के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये हम इस पोषण माह में हम घर घर जाके जो है सबको इस अपने घर घर पोषण अपने देश रोशन के बारे में जो है जागरूक रहेंगे और सबको जो है उनके महत्व के बारे में बताएंगे।